Rousey started it. दोस्तों आज इस वीडियो में पांच ऐसे मौके के बारे में बात करेंगे जब रोंडा राउजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मेंस रेसलर पर अटैक कर दिया हो। रोंडा राउजी विमेंस डिवीजन की ब्रॉक लेसनर है। जब रोंडा राउजी को गुस्सा आ जाता है तो वो सामने नहीं देखती है कि मेंस रेसलर है या फीमेल रेसलर है, वो सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो आज इस वीडियो में पांच ऐसे मौके के बारे में बात करेंगे जब रोंडा राउजी ने मेंस रेसलर पर अटैक कर दिया हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, जब रोंडा राउजी ने रेसलमेनिया 31 में ट्रिपल एच पर अटैक कर दिया था। रेसलमेनिया 31 में दी रॉक काफी लंबे समय बाद रिटर्न करते हैं और रिंग में आते हैं, लेकिन रिंग में पहले से ही स्टेपनी और ट्रिपल एच मौजूद थे और आते ही इन दोनों को इंटरप्ट करते हैं, लेकिन स्टेपनी मैकमैन को काफी गुस्सा जाता है। इस चलते रॉक को एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन रॉक वुमेन्स रेसलर पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे। इस चलते वहां पर ऑडियंस में बैठी रोंडा राउजी को रिंग में बुलाते हैं। रोंडा राउजी रिंग में आते ही सबसे पहले ट्रिपल एच को रिंग से बाहर फेंकती है, उसके बाद रॉक का बदला स्टेपनी से लेती है। इस तरह रोंडा राउजी ने अपने WWE के स्टार्टिंग करियर में ही मेंस रेसलर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। नंबर 4, जब रोंडा राउजी ने बैरन कॉर्बिन पर अटैक किया। 12 नवंबर 2018 के रॉक एपिसोड में मॉन्स्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन और बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा राउजी एक ही रिंग में मौजूद होती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन बैरन कॉर्बिन से पहले से ही गुस्सा थे, इस चलते ब्रॉन स्ट्रोमैन बैरन कॉर्बिन को कॉल आउट करते हैं। बैरन कॉर्बिन रिंग में आते हैं और रोंडा राउजी और ब्रॉन स्ट्रोमैन को बताते हैं कि वो इस टाइम जनरल मैनेजर के पद पर हैं। इस चलते उनको कोई भी टच नहीं करता है। इस चलते बैरन कॉर्बिन स्टाइल मारने के लिए रोंडा राउजी के कंधे पर हाथ रख देते हैं, लेकिन फिर क्या होना था, रोंडा राउजी ने उठाकर पटक दिया और सबके सामने बैरन कॉर्बिन का पोपट बनकर रह गया। और रोंडा राउजी बैरन कॉर्बिन के ऊपर देखती भी नहीं है और वहां से सीधा चल जाती है। नंबर 3, जब रोंडा राउजी ने ट्रिपल एच पर दोबारा से अटैक कर दिया। 2018 के एलिमिनेशन चैम्बर के लिए रोंडा राउजी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, इसलिए रिंग में मौजूद होते हैं ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन और कर्ट एंगल। और रोंडा राउजी खुशी खुशी रिंग में आती है, लेकिन रिंग में आते ही स्टेफनी मैकमैन के साथ उनकी कहासुनी हो जाती है और ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन टाइम रहते ट्रिपल एच दोनों को सेपरेट करने के लिए आते हैं। ट्रिपल एच जैसे ही रोंडा राउजी के पास जाते हैं, रोंडा राउजी उठाकर ट्रिपल एच को सीधा टेबल के ऊपर पटक देती है और टेबल पूरा टूट जाता है। नंबर 2, जब रोंडा राउजी ने कर्ट एंगल पर भी अटैक कर दिया। 18 जून 2018 के रॉक एपिसोड में एलेक्सा ब्लिस चैंपियनशिप बेल्ट के साथ रिंग में मौजूद होती है और रोंडा राउजी को चिढ़ाती है कि कैसे उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैशिंग करके रॉ वुमेन चैंपियन बन गई और तुम अब तक ये टाइटल नहीं हासिल कर पाई हो। और ये बात सुनकर रोंडा राउजी काफी गुस्सा हो जाती है और चाहते हैं तो उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है रोंडा राउजी। नंबर 1, जब रोंडा राउजी ने रेसलमेनिया में ट्रिपल एच को धो दिया। दरअसल रेसलमेनिया 34 में मिक्स टैग टीम मैच हुआ था, एक टीम में रोंडा राउजी और कर्ट एंगल थे और उनके ओपोनेंट के तौर पर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन थी। और ये रेसलमेनिया का मैच काफी शानदार मैच था, दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर काफी हावी हो रहे थे और एक दूसरे को काफी डोमिनेट भी कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आया जब ट्रिपल एच कर्ट एंगल को पेडिग्री देकर पिन करने जाते हैं और उतने में रोंडा राउजी आकर काउंटर ब्रेक कर देती है, जिसे ट्रिपल एच की टीम जीतते जीतते बच जाती है। वहीं दूसरी बार जब रोंडा राउजी स्टेफनी मैकमैन को पिन कर लेती है तो ट्रिपल एच काउंटर को ब्रेक कर देते हैं और यहीं से दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। और ऐसा मौका आ गया जब ये दोनों रिंग में आमने सामने हो जाते हैं। ट्रिपल एच रोंडा राउजी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन रोंडा राउजी मान नहीं रही थी और देखते देखते रोंडा राउजी ट्रिपल एच पर काफी बुरी तरह से अटैक करना स्टार्ट करती है और ट्रिपल एच भी काउंटर करके उनको पहले पेडिग्री देने के लिए सोचते हैं, पेडिग्री ना देकर पावर बम देने लगते हैं। और रोंडा राउजी कहां कम थी, ट्रिपल एच के मूव को काउंटर करके रोंडा राउजी अपना सबमिशन बना लेती है और ट्रिपल एच रिंग के बीचों बीच तड़पने लगते हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब रोंडा राउजी ट्रिपल एच को कंधे के ऊपर उठा लेती है, लेकिन भला हुआ स्टेफनी का कि वो ट्रिपल एच को बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी इस मैच में कर्ट एंगल और रोंडा राउजी की टीम जीत जाती है।